मैं चैलेंज देता हूं यहां से राहुल बाबा को, राहुल बाबा को मैं चैलेंज देता हूं यहां से। दो देशों के प्रधानमंत्री के बीच में एक समझौता हुआ 1950 में, नेहरू लियाकत समझौता हुआ, और यह तय हुआ कि दोनों देश अपने अपने यहां अल्पसंख्यकों की रक्षा करेंगे। भारत ने इस समझौते का विश्वास के साथ निर्वहन किया, करना भी चाहिए। इस देश के अंदर माइनॉरिटी का हर व्यक्ति सुरक्षित रहना चाहिए, महफूज रहना चाहिए, इसकी रक्षा करने की हमारा संवैधानिक दायित्व है। मगर पाकिस्तान में यह नहीं हुआ, बांग्लादेश में यह नहीं हुआ। 30% 23% की आबादी घटकर 3% और 7% हो गई। धर्म के आधार पर प्रताड़ना होने लगी। लाखों लाखों लोग यहां आए, लाखों करोड़ों लोग जो यहां आए वो चाहते थे कि आपका वादा था, भारत ने वादा किया था, महात्मा गांधी जी ने वादा किया था, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी ने वादा किया था, राजेंद्र बाबू ने वादा किया था, संविधान ने वादा किया था, हमें नागरिक बनाइए, हम नर्क की जिंदगी जी रहे। लाखों करोड़ों लोग, इनके पास ना नागरिकता थी, ना घर था, ना नौकरी थी, ना स्वास्थ्य की सुविधाएं, ना शिक्षा थी, कोई उनकी सूद नहीं लेता था। और नरेंद्र मोदी जी ने हिम्मत कर लाखों करोड़ों शरणार्थी जो आए थे उनको नागरिकता देने की पहल की, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर आए, और वो आज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया। मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं, और विशेषकर माइनॉरिटी के भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, ये बिल अब बन चुका है एक्ट, भारत सरकार की वेबसाइट पर है। ये कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस एंड कंपनी अफवाहें फैला रही है कि इससे माइनॉरिटी की मुसलमान भाइयों की नागरिकता जाने वाली। मैं चैलेंज देता हूं यहां से राहुल बाबा को, ये पूरे एक्ट के अंदर एक भी जगह पे किसी की भी नागरिकता लेने का अगर प्रावधान है तो कृपया आप बता दीजिए।